अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। दो हफ्ते से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज जाकर मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट करा है। किसी भी काम में आपका दिल तब तक लगा रहता है जब तक आपको उससे कुछ आउटपुट मिलता रहता है। हेलो एवरीवन, होप सो कि मुझे कोई भूल तो नहीं गया होगे, है ना? जरूर भूल गए होगे। एक साल जो हो गया। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये डिस्कवर करेंगे कि हमने ये पूरा टाइम कैसे स्पेंड किया और अब क्या जिंदगी चल रही है, कैसे जिंदगी चल रही है, टाइम से कोई ब्लॉग क्यों नहीं आया और क्या क्या लाइफ अपडेट्स हैं, जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद जॉब लग गई, कैसे लग गई, और वो जो किसी ज़माने में एक मूवी बनाई थी मैंने, उसका सेकंड पार्ट क्यों नहीं आया। मुझे पता है आप सब लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से ज़िंदगी गुजर रही, हो सकता है कोई रिलेट कर रहा हो, तो सुनिएगा और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप इस ब्लॉग को, घूमते रहेंगे साथ साथ। थैंक यू सो मच। इसी तरह हफ्ते के 5 दिन में ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से वापस आता हूँ और थोड़ा बहुत मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करके थोड़ा बहुत काम करके अपना सो जाता हूँ। और इसी तरह सैटरडे और संडे को भी यही रूटीन होती है, हफ्ते को भी काम, मतलब सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऑफिस का काम करना पड़ता है, उसके अलावा रात मुझे मिलती है जब मैं ये सब चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म कर रहा होता कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। और मैंने तकरीबन ये 3-4 महीने सिर्फ इस चीज़ में ही गुजार दिए कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा। किसी भी काम में आपका दिल तब तक लगा रहता है जब तक आपको उससे कुछ आउटपुट मिलता रहता है, आपको कुछ फ़ायदा मिलता रहता है। लेकिन पैशन में ऐसा नहीं है। पैशन में आपको कुछ ना भी मिल रहा हो, आउटपुट भले ही कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन आप फिर भी काम करते रहते हो। क्यों? क्योंकि उसमें से आपकी कुछ डिज़ायर्स कंप्लीट होनी होती है। अब वो डिज़ायर्स आपकी यूट्यूब व्यूज़ भी हो सकती है, वो डिज़ायर आपकी पैसा भी हो सकती है, लेकिन मेरे केस में ये दोनों ही नहीं मिल रहे थे। 3-4-5 सालों में वीडियोस बनाने के दौरान मैंने एक चीज़ अपने आप में नोटिस करी कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुझे वो रिजल्ट्स नहीं दिखने को मिलते। लेकिन मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि मेरा आउटपुट क्या होगा? मेरा काम तो सिर्फ मेहनत करना है ना, आउटपुट का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो अल्लाह के ऊपर है, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं सिर्फ अब कंसिस्टेंसी पर ध्यान दूंगा और जितना हो सके अपने व्लॉग्स को, अपनी स्टोरीज को और इम्प्रूव करता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये वही बात हो गई कि
शुरू मजबूरी में किए थे और अब मजा आ रहा है, तो हमने भी कर लिया भाई मैरिज। तो अभी मैं यहाँ पे अकेला क्या कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप कि सबके सामान वगैरह पड़े हुए हैं। तो सीन ये हो गया कि आज है जुमे का दिन और मैं चला गया वॉशरूम वजू करने। पीछे से सारे एम्प्लॉयज़ को लगा कि मैं नमाज पे जा चुका हूँ, वो तो सारे चले गए नमाज पे, मुझे यहाँ ऑफिस में लॉक करके। अब मैं जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकता, अकेले ही पढ़नी पड़ेगी मुझे। तो चलते हैं नमाज पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पे हम बैठते हैं, ये सामान पड़ा हुआ है इग्नोर करें आप इस बैकग्राउंड को। और यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की टीम बैठती है, पीछे सेल्स की टीम बैठती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वेटिंग एरिया और मीटिंग एरिया। एक्चुअली यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती रहती है, हमारे जो भी मीटिंग्स होती है, जो भी हमें लेक्चर दिए जाते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ किचन। वेलकम टू द किचन। ये यहाँ पे ये हमारे पास सिंपल सा एक, क्योंकि सर्दियाँ है ना, तो फिलहाल हमारे पास ये है पंपिंग वाटर कैन। और यहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं और ये ओवन है खाना वगैरह जिसको गर्म करना हो, और अगर किसी को कुछ धोने हो जैसे कि बर्तन वगैरह तो यहाँ पे धोते हैं। वैसे हमारे पास प्यून रखा हुआ है, जुल्फिकार जो ये सब काम करता है। यहाँ पे वॉशरूम है और इस तरफ भी एक वॉशरूम है, यहाँ से वैसे गेट भी है, यहाँ से हम पीछे अपने ऑफिस की साइड जा सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। देखिए आपने मेरा ऑफिस, वैसे मैं आपको कभी नहीं दिखा पाता क्योंकि फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं था ऐसा ऑफिस वगैरह दिखाने का। लेकिन अब जब कि मुझे टाइम मिल गया, सारे लोग नमाज पे चले गए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और ब्लॉग बनाया जाए। और ब्लॉग्स ना बनाने का एक रीज़न ये भी था कि सुस्ती हो रही थी। सुस्ती से मेरा ये मतलब है कि मुझे एक तरह से कंटेंट अपना पसंद नहीं आ रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं इन ब्लॉग्स को ना सिर्फ एडिटिंग के थ्रू बल्कि अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी अच्छा बनाऊं। इस चीज़ में अभी तक मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ब्लॉग्स बनाते रहेंगे कुछ भी हो जाए। अब कहाँ से एक मोटिवेशन, कुछ चीज़ बनानी हो आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसके स्टेप्स सीखने होते हैं कि किस तरह बनाई जाती है वो चीज़। अब मैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी मैंने ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा सा ही जाना था। बात बिल्कुल सिंपल सी है, टैकल कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को। सबसे पहले तो उसके बारे में जितना हो सके आप नॉलेज लो और कंटेंट कंज्यूम करते जाओ उसके। आजकल तो भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप किताबें छोड़कर सिर्फ वीडियोज़ और क्लिप्स देख के वीडियोज़ और क्लिप्स देख के आप कुछ भी सीख सकते हो। जैसे ब्लॉगिंग करनी है तो आप किसी का भी कोर्स उठा के उसकी ब्लॉगिंग सीख सकते हो। सो मैंने भी वही किया, मैंने ब्लॉग्स बनाना सीखा और अब मेरी लाइफ में सिर्फ कुछ ही एक दो काम होते हैं, जैसे कि सुबह उठना, नाश्ता करना, नाश्ता तो कभी कभी नहीं भी करता, हाँ सुबह उठना, फिर जॉब पे जाना, फिर वापस आना, फिर सो जाना। कितनी अच्छी लाइफ है मेरी, है इंटरेस्टिंग है। और मैंने व्लॉग्स भी स्टार्ट कर दिए, इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ देखने का कितना मज़ा आएगा। और उसके अलावा मैं मूवी का सेकंड पार्ट बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। मैंने इस तरह से अब उसकी स्टोरी चेंज कर दी है, दूसरी स्क्रिप्ट लिखी है कि मैं उसको कहीं से भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है लोकेशन, वो कोई भी लोकेशन में यूज़ कर सकता हूँ और उसके लिए अलग अलग लोकेशंस प्लान कर सकता हूँ। लेकिन उसका पार्ट मैं बनाऊंगा तब जब मेरे पास ऑडियंस जमा हो जाएगी। अब मैं सारा सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कितनी ऑडियंस बनती है, और अगर ऑडियंस बनती है और डिमांड आती है तो सप्लाई भी कर देंगे आपको शॉर्ट फिल्म इंशाल्लाह। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, यही थी लाइफ अपडेट्स, कैसे ज़िंदगी चल रही है, कुछ खास नहीं चल रही लेकिन खास बनाएंगे। और बस एक ही मैसेज है मेरा कि जो सोचा है, जो करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे हो वो करो, भले ही उससे आपको कुछ आउटपुट ना मिल रहा हो लेकिन आपका दिल खुश रहेगा। इनर सोल को पता है कि वो मुझे मिल रहा है, वो काम मैं कर रहा हूँ एक्चुअली जो मुझे पसंद है और जिसमें मुझे मज़ा आता है, सिंपल। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मिस मत करना।